भगवान राम को हम सब के साथ संवाद बनाने वाले कोई एक त्रिकाल दर्शी ऋषि थे, तो उनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। और जब अयोध्या में राम जन्मभूमि में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भव्य रामलला के दर्शन जनसाधारण को कराने की बारी आई, तो उसके पहले मोदी जी ने पहला काम किया, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या में बना था उसका नामकरण भी किया गया। भाइयों बहनों, ये पहली बार हुआ महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहले नहीं हो पाया लेकिन मोदी जी ने किया। आज अयोध्या में आप जाएंगे, पहले दर्शन आपको महर्षि वाल्मीकि के होंगे। भाइयों बहनों, काशी में शीर गोवर्धन सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि है। विवाद था, पिछली सरकारें कुछ नहीं कर पा रही थी, जब मोदी जी सांसद बने काशी से उन्होंने संकल्प लिया कि हमें इसके लिए कुछ करना है। और आज वहां का परिणाम क्या है, आज वहां पे लाल सिंगारे कह रहे थे शिलान्यास नहीं, अब तो प्रधानमंत्री जी ने सदगुरु रविदास जी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा को लोकार्पण कर दिया है, मूर्ति स्थापित वहां लग गई है, भव्य पार्क का निर्माण हो गया है, म्यूजियम का निर्माण हो गया है, अन्न क्षेत्र का निर्माण हो गया है, और अब उस पावन धरा पर जाने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी भी हो गई है। पहले सिंगल लेन की भी सड़क नहीं थी, आज 4 लेन की सड़क से जोड़ा गया है। ऐसे ही देश के अंदर सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं को सम्मान देने का कार्य मोदी जी ने किया, तो गरीब और दलित को भी वंचित को भी उसका अधिकार देने का काम किया। जब हर गरीब को मकान मिल गया, हर गरीब के घर में शौचालय बन गया, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल गई, हर गरीब को वंचित को उसकी आवाज पर आवाज को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया गया। और यह समाज तो वह समाज है जिसने सदैव देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया है, अपनी आहुति दी है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब हम यहां पे आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, तो इस अवसर पर आज भी इस महाधिवेशन के माध्यम से आगरा वासियों को, कल हमने मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, आगरा वासियों आपको बधाई। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी किया गया। और यह समाज हमेशा दाता के रूप में काम किया है, तो आज 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी आगरा वासियों को उपलब्ध हो रही है। यानी एक बार फिर से हमारे इस अनुसूचित समाज ने तय कर दिया कि दाता की भूमिका है तो दाता ही भूमिका के रूप में वह काम करेगा, और आज भी वह उस रूप में कार्य कर रहा है।